तो ये तो बात रही गाजियाबाद की, लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और आग इतनी जबरदस्त थी कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटों को देखा जा सकता था। लेकिन आग लगने की वजह क्या रही, उसके बाद क्या वहाँ पर हालात बने, अपडेट क्या है, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। काफी दूर से ही आग की लपटें दिख रही हैं। लपटों से पूरा आसमान लाल हो गया है। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की हैं, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, भगदड़ मची है। लोग लपटों से बचने के लिए भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। आग बुझाने के लिए मशक्कत की जा रही है, लेकिन भयावह आग का अंदाजा उठ रही इन लपटों से ही लगाया जा सकता है। आग इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री जल उठी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों में दहशत फैल गई। आनन फानन में लोगों ने स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को आग की जानकारी दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन की गाड़ियों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया था। लपटें इतनी तेज थी कि दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लगा। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वो एक ऑयल पेंट की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में एक टैंकर आया हुआ था। इसी दौरान आगे पीछे करने की वजह से किसी तरह से चिंगारी उत्पन्न हुई। इसके बाद पहले तो टैंकर में आग लगी और फिर देखते ही देखते ये आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई, जिसकी वजह से फैक्ट्री जलकर स्वाहा हो गई।